हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वेलकम टू एम्बाइब। क्या आप कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और स्टेट के बारे में डिफरेंस जानते हैं? सो आज मैं आपको बताने वाला हूं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड करें और मेरे साथ लाखों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाई, जल्दी बताइएगा। आपको मालूम है दो तरह के हमारे मेन फंड्स होते हैं, एक कंसोलिडेट फंड होता है और एक कंटीजेंसी फंड होता है। कंसोलिडेट फंड जो होता है सेंटर में, उसे कौन मैनेज करता है? तो कंसोलिडेट फंड जो सेंटर में होता है उसे हमारा पार्लियामेंट मैनेज करती है, और कंसोलिडेट फंड जो स्टेट में होता है उसे कौन मैनेज करता है? उसे हमारी स्टेट लेजिस्लेचर करती है। लेकिन उसके अलावा एक इमरजेंसी फंड होता है जिसे कंटीजेंसी फंड कहते हैं। कंटीजेंसी फंड जिसका जिक्र आर्टिकल नंबर 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। अब कंटीजेंसी फंड जो है हमारे देश के सेंटर में, उसे कौन करता है? तो कंटीजेंसी फंड जो सेंटर में होता है उसे मैनेज करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो जब स्टेट की बात करेंगे तो कंटीजेंसी फंड कौन मैनेज करेगा? तो ऑब्वियस ही बात है, राइट आंसर विल बी सी, दैट इज द गवर्नर। तो कंटीजेंसी फंड जो होता है बेटा, वो हमारा जो है आकस्मिक निधि होती है, एंड इट इज मैनेज्ड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। बहुत बढ़िया, राइट आंसर विल बी सी। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करें। इसके साथ साथ आप हमें जो है वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं, www.mbibe.com पर, जहां पर आपको हमारे अमेजिंग कंटेंट, बुक्स और AI बेस्ड टेस्ट देकर के आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। Keep imbibing. We believe in you.